हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेटर देन दी ओरिजिनल। और आज हम बनाने वाले हैं इडली। मैं बना रहा हूँ मसाला इडली और नीरज बना रहा है। मैं बना रहा हूँ इडली जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का अमालगमेशन होगा ऐसा। मेरी इडली में पाव भाजी का मसाला जाने वाला है। जो एंड में बन के निकल गई वही होगी हमारी इडली। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। क्या बनाया भाई ने? देखो तुम, ये जल गया नीरज। उसको कहना तो चलना है। अरे भाई साहब, क्या इडली बनाई है, एकदम इडली लग रही है। तो गाइस, मैं फॉलो कर रहा हूँ चेतना पाटिल जी की रेसिपी। आज चेतना जी, मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा, थोड़ा सा अपना भी इसमें डालूंगा क्योंकि मुझे पूरी रेसिपी याद नहीं है, बट करेंगे कुछ बढ़िया करेंगे। मैं फॉलो कर रहा हूँ शेफ संजोत कीर की रेसिपी बिकॉज यूट्यूब पे वो थोड़ी ईजी लग रही थी। सो या, बट ऑब्वियसली इट विल हैव अ ट्विस्ट बिकॉज मैं बना रहा हूँ। मैं दही डालू? वैसे इसके अंदर जो दही डलती है ना विस्क होती है, ये वाली है नहीं, तो उसको साथ ही विस्क कर तो लेंगे। विस्क करना तू से? कोशिश कर रहे हैं। अरे है तो सारा वो स्प्लैटर हो रहा है, तो थोड़ा नमक डालेंगे। नमक कॉपी कर रहा तुम? नमक ऐसे डाल, नमक ना डालो इडली में, कॉपी कर रहा है। मैंने सूजी ज्यादा डाल दी कि कुछ हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी आटे जैसे क्यों बन रही है यार? देखो मेरा बैटर हो चुका है रेडी, अब इसको 15-20 मिनट साइड रख दूंगा जब तक ये रेस्ट करेगा। ये ना अच्छे से ऑयल करना, नहीं तो आपकी जितनी मेहनत है ना सारी गई। क्या है दोस्तों कि कुकिंग इज मोर लाइक एन आर्ट। ओके, हर चीज पेशेंस और प्यार से होती है। ऐसा नहीं कि सबको जल्दी जल्दी में कर दो, ठीक है? हमारे अब जाकर तो मैं पानी डालूंगा, फिर मैं 15 मिनट और वेट करूंगा, फिर मैं फ्रूट सॉल्ट डालूंगा। हर 5 मिनट में अगर रेसिपी पढ़नी पड़ेगी पूरी फ्रॉम द स्क्रैच तो आधा पौना घंटा लग जाएगा। मैं याद करके आया हूं तो मैं क्या करूं? याद करके नहीं आया, ये पहले काम करता था साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, बकवास कर रहा है ये। देखो मेरे को ठीक लग रहा है ये, इसको रख देना चाहिए और जब इसको यूज करूंगा थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको ढीला करेंगे और फिर यूज करेंगे। ढीला करना है तो दारू डालना, उससे बाद लोग ढीले हो जाते हैं। तो वैसे इडली ना बहुत बढ़िया खाना है, कैलोरीज भी कम है, स्टीम्ड भी होती है और फुलफिल भी बहुत पेट को करके रखती है लंबे टाइम तक। बहुत सारे डाइटिशियन भी सजेस्ट करते हैं टू ट्राई इडली इफ इन केस यू वांट टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। सो आज से सिर्फ इडली खाएंगे, सिर्फ इडली खाएंगे। क्या बढ़िया बन रहा, देख रहा है? इडली ही इडली। मेरा तो कंप्लीट हो गया बैटर, मेरे को लग रहा है हो गया। पहले बता रहा हूँ इनो का एक ही पैकेट था हमारे पास, थोड़ा थोड़ा डाल लिया। अगर इडली खराब बनी तो इनो की गलती है, प्रोडक्शन की गलती है। ये बहाने हैं, इडली बढ़िया बननी है, टेंशन मत लो। ये ले थोड़ी, मेरे से ले ले यार, ये ले ले खुश, अब कंप्लेन मत करियो। ठीक है, डन ठीक है। दिल बहुत बड़ा है मेरा, इतना ज्यादा ले लिया, साले दे दे। कैसा आदमी है भाई, आधा पैकेट पूरा ले चुका। इस आदमी ने पहले आधा लिया तो तुम्हें लगता है इसने आधा लिया होगा? आधा नहीं लिया, इसने 60% पहले ले लिया था, उसके बाद बचा कुचा भी मैंने थोड़ा अपने मन से दे दिया कि ये ले भाई का दिल बड़ा है, उसके में भी छीन रहा है। थोड़ा इनो इसी में डाल के पी जा तू। इडली डालने की बारी आ गई है, फाइनली इसका भी हो गया। अब ये डालना भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि इडली बाहर ना निकला है फूल के। मैंने गट्टू को बोला था अगर अपने पे ऑयल लगा रहा है तो मेरे पे भी लगा ले, पर इंसानियत ही नहीं है इंसान में। मैंने बोला भाई कर रहा कर दे, कॉम्पिटिशन ज्यादा दिल पे ले लेता है। अब इसको डालते हैं अंदर, काफी डिफिकल्ट टास्क है ये। टडंग टडंग टंग टडंग। अब दोनों ने अंदर अपनी अपनी इडली रख दी। कितना टाइम लगेगा तेरी इडली को बनने में? मेरी इडली तेरे से 5 मिनट ज्यादा लेती है क्योंकि मैंने लेट डाली। 20 मिनट इसको लगेंगे, 15 मिनट मुझे लगेंगे एंड देन अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। 10 मिनट्स लेटर। देखो 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं, एक एक बार चेक कर लेना चाहिए। कुछ चिपका नहीं है ना? जब तक चिपका नहीं है तो मतलब बन गई है। बड़े काफी सॉफ्ट है। हमने चटनी बनानी है, चटनी के लिए हमारे पास है कोकोनट के कुछ पीसेस, छोटे छोटे चना जो कि हम भुना वाला है खा भी सकते हैं। रुक जा ना, तो नारियल दे दे फिर। छोटी बच्ची हो क्या? बहुत सारा धुआं निकल रहा है एंड उस बात पर मैं ऑफ करना चाहूंगा इसे। ये लेना, बना उधर। ये तेरी इडली इतनी पतली पतली क्यों है? इनको करके डाइट इडली है, इनको खा के डाइट होना था, इन्हीं ने डाइट कर ली है। अब मुझे वो क्वांटिटी का अंदाजा नहीं है ना इसमें कितनी बन पाएगी। अब अगली जो बनाऊंगा वो एकदम सही बन पाएगी, बट ये भी सही है, चल जाएगी। हो गया हो गया हो गया।
काफी सही टेस्ट आ रहा है इसका। अब इसको लिक्विड वो कैसे करेगा तू, बाइंड कैसे करेगा दही से? दही वो इस नारियल की चटनी में दही डलती थी, कोई आईडिया नहीं था मुझे। खट्टा खट्टा उसी से होता है, वैसे जूस भी डाल सकते हैं, लेमन जूस। गाइस देख लो कॉम्पिटिशन तब इसकी हेल्प किया पानी डालने में, चम्मच रखा था ना नीचे, तू तो डोल देता पूरा। मैं तो पानी का टेस्ट ही बदल देता था, पानी भाई ने डाला मीठा हो गया पानी। और हेल्प कर देता हूँ, पकड़ के रख। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई नो कुछ होगा नहीं इससे, ना ये किसी एग्जाम में आएगा, बट इडली पहली बार मेंशन हुआ था ना हिस्ट्री में, वो था 920 AD में। एंड 30th मार्च को इडली डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये मुझे नहीं बताया किसी ने। 30 मार्च को हैप्पी इडली डे बोलना ठीक है अपने फ्रेंड्स को। मेरे को अब अपना फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो कि है तड़का पूरी इस इडली का, हल्का सा सांबार फ्लेवर भी होगा उसके अंदर। क्या क्या इडली बनाई है मैंने यार, देखो यार ये प्यारी इडली है। जल्दी पॉप हो, अब मैं काटूंगा इडली को छोटे छोटे चार पीसेस में, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक तवा इडली, तवा मसाला इडली। तवा इडली तो हर कोई बना लेता है। अरे भाई साहब गट्टू, व्हाट डू यू लाइक विद योर इडली? I like some coconut चटनी, और एक लाल चटनी आती है ना साउथ इंडियन चटनी, वो मुझे बहुत पसंद है। Orange, orange, garlic. वो garlic चटनी होती है। So guys, अब इसमें मैंने चिली पेस्ट बनाई थी सुबह सुबह, मैं वो डालता हूँ एक बार। हाथ दर्द हो गया मेरा। लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है मंचूरियन इडली बना देता हूँ। वही तो है, गिरीशा को बताएंगे नहीं ना कौन सी इडली है, जो खा के जो उसको लगे कि क्या टेस्ट आ रहा, क्या टेस्ट आ रहा, वही वही तो है। वाह क्या इडली बनाई है, क्या इडली बनाई है, एकदम इडली लग रही है भाई। लाया छौक करके चौक। ये जल गया नीरज, पूरा पलट दे। नॉट बैड, कुछ हुआ तो उसको बोलूंगा ये बिना छौंक के भी है। तो अकॉर्डिंग टू मी हमारी चटनी हो गई है रेडी, और मेरी भी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है। मैंने उसको ढक के रख दिया ताकि वो गर्म रहे जब तक गिरीशा आ रही है। अब तुरंत ना मसाला बनाना ना या मेन, अब फटाफट कर ले। अब गिरीशा को दो टाइप की चटनी दे दूंगा, उसको क्या चलना है। उसे बोलूंगा साउथ इंडिया में ऐसी चटनी मिलती है, कभी गई थोड़ी हो, गई थोड़ी हो। मैंने अपनी अभी इडली टेस्ट किया तो मेरे को लग रहा मेरे कोड़े पड़ेंगे, मोड़े पड़े। अच्छी नहीं है क्या इडली? इडली ठीक बनी है, इडली अच्छी बनी है। तो क्या हो गया फिर, क्यों कोड़े पड़ेंगे? धो के खिलानी पड़ेगी उसे। मेरा पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे आप, भूत छोला। क्या अगर आपने हमारी चैलेंज वीडियो देखी हो जिसका नाम था ट्राइंग हॉटेस्ट सॉस, तो उसमें आपको पता लगा कि हमने ये ट्राई किया था और क्या हुआ था उसके बाद। इसको हटाओ, बॉर्नविटा डालो उसके अंदर। दो दिख रही है मुझे, तू चाहता हूँ तेल पूरा सोख ले। सोखेगा नहीं, तेल छोड़ेगा, जब चीज कुक होती है तो तेल छूटता है। ये क्या बात हुई? अरे यही होता है यार, यही होता है। मैं गलत बोल रहा हूँ प्लीज, अगर गलत बोल रहा हूँ कमेंट करके बताना। यही पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मेरा सेकंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट। गिरीशा पंजाबी है तो मैं इसमें डालूंगा पाव भाजी मसाला, बिकॉज आई नो अंदर ही अंदर पाव भाजी का मसाला का टेस्ट ढूंढ रही है वो इडलियों में। जब वो टेस्ट करी वही कुछ घर जैसा टेस्ट आ रहा है, अगर ये मम्मी पापा पंजाब खेत ये सब बोलेगी उसके बाद उसको टेस्ट पसंद आ जाएगा। What? ये देखो हो गया मेरे ख्याल से, ये क्या बनाया भाई ने, देखो तुम कमाल कर दिया। So guys, इडलिया हमारी हो चुकी है, मेरी प्रेजेंटेशन हो चुकी है, नीरज खत्म कर रहा है बस अपनी प्रेजेंटेशन, ये सब हटाते हैं फिर गिरीशा को बुलाते हैं और उसको सफर कराते हैं। Let's call the judge, Girisha. Hi boy. Hello. What's up, man? क्या गुल खिलाया लड़को तुमने जरा? देखो हमने कुछ तो खिलाया, उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। नीरज और मैं ये पहली बार ट्राई कर रहे थे तो हमने बहुत गंद मचा दिया। अगर आप भी कुछ ऐसा पहली बार ट्राई कर रहे हैं और ये गंद मचाने से मेस क्रिएट करने से डरते हैं तो भाई अर्बन कंपनी को याद करो, प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा लो। क्या बात है, क्या बात। अरे भाई दिखा तो दे पूरा शेफ फील। टॉम एंड जेरी देखे? बार बार क्या आता है। ओह माय गॉड, ओके। चटनी कब बनाई तूने? चटनी में पीछे चटनी चोर नहीं, चटनी चोरी करी है भाई इसने। इसकी चटनी में चटनी बनाई नहीं थी। चुप। This is me first time judging better than the original. So
देखो ये प्रेजेंटेशन फर्स्ट नीरज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इसका प्रेजेंटेशन देख रही हूँ, क्योंकि इसने बहुत ही प्यारी सी एक फुल इडली मेरे लिए बनाई है, जिसमें चने के साथ उसने आंखें बनाई है, हमने दलिया बनाया, काजू के साथ नाक बनाई है और धनिया के जीता, साथ नीरज जीत गया, नीरज जीत गया। ये है काजू वो जस्ट थोड़ा सा क्रिस्प के लिए और धनिया है, ठीक है, और ये है चटनी। बिफोर आई टेस्ट प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो आई थिंक नीरज थोड़ा मतलब बॉयज इट्स always in the small things, the little things you do matter a lot. पहले मैं गट्टू की इडली try करूँगा. This is more like Chinese यार. भाई अब ये सुन ये तो खेतों की याद आएगी, खेतों की यादें आएंगी. दोनों चटनी भी सुनना, अलग अलग स्मेल, तुझे अलग अलग कंट्रिया दिया मैंने. ये तो और भी चाइनीज है. पकी हुई इडली है, सॉफ्ट है, अच्छे से चबाई जा रही है, मतलब आई कैन ईट दिस. And the masala is also good. मिर्ची देखने में बहुत लग रही है बट नहीं है. है ना, वो ना उसकी मैंने वो नहीं डाली है, लाल पत्ता पेस्ट, जो सिर्फ स्मेल होती है उसका, वो नहीं होता स्पाइसीनेस. गुड जॉब गट्टू. माय गर्ल यू गो गर्ल. अच्छी है यार, जेन्युइनली अच्छी बनाई है इसने. जो इडली का टेक्सचर है, जो इडली का सॉफ्टनेस है, वो दोनों का इक्वल सा है. उतना कोई लाजवाब नहीं है, बट दोनों चबाई जा रही है, खाने लायक है, दोनों ने एक जैसी बनाई है, ठीक है, जलती है, हम जीत गए. एक बार अब ये वाली चटनी ले. I know. चटनी बहुत स्वाद है, काफी अच्छी. ये तूने अपने बनाई है? ये तूने बहुत कॉपी करके बनाई है? या थैंक्स गेट यू, थैंक्स. I just want to say that I'm really proud of my boys. They both did a good job. They go better than the original. नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट मैं खुश हूँ कि दोनों ने ट्राई किया और दोनों ने एक अलग चीज बनाई है. मैं पसीना आ गया था. आज के विनर है. It's okay. देखो पेशेंस हो, कुछ भी हो, जब आपको खाना बनाना आता है, दिमाग लगाओ तो सब सही हो जाता है. गट्टू टेस्टी है, मैं खाऊंगा बार बार. तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि हम अगले बेटर देन द ओरिजिनल एपिसोड में क्या बनाएं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द अर्बन गाइड. चलो अब मैं ये दोनों इडलियां दे दूं, तो मैं खा लूंगी. चैनल उसको मत, दिल मत रख उसका, वो खा दो, अच्छे लगे तो.